नमस्कार। अब हम लोग आ गए हैं इंडियन जियोग्राफी के अगले चैप्टर में। यहाँ पे अर्थ की शेप और साइज, कॉन्टिनेंट्स के बारे में और अन्य कुछ एस्ट्रोनॉमिकल शब्दों को डिस्कस करेंगे। अर्थ की शेप और साइज। अर्थ की शेप, पाइथागोरस ने 1972 से 500 BC के बीच में जो रहे वो ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि अर्थ ग्लोब की तरह दिखता है। अगर अर्थ एक फ्लैट डिस्क होता तो जो सूरज जब उड़ता है तो वो सारे जगहों पे एक ही समय दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईस्ट में पहले दिखाई देता है, वेस्ट में बाद में दिखाई देता है। जब कोई शिप ज़मीन की तरफ अप्रोच करता है तो जो उसका फनल या मास्ट होता है उसको वो पहले दिखाई देता है, फिर बाद में हल दिखाई देता है। अगर अर्थ फ्लैट होता तो पूरा शिप एक बार में ही दिखाई देता। अर्थ स्पीयर होने के और चीज़ें हैं कि अर्थ रेयरली ओरिएंटेड होता है एक ही पोजीशन में सक्सेसिव एक्लिप्सिस के समय, वो हमेशा ही एक सर्कुलर शैडो कास्ट करता है। इससे ये पता चलता है कि अर्थ स्पीयर है। स्पीयर इकलौती सॉलिड बॉडी है कि जो सर्कुलर शैडो कास्ट कर सके। नॉर्थ पोल पे जो पोल स्टार है वो हमेशा ऑब्जर्व किया जा सकता है 90 डिग्री में आसमान में, क्योंकि वो जो तारा है वो एक्सेस पे लाई करता है भारत की। अगर कोई चलना शुरू करता है साउथ की तरफ तो पोल स्टार का एंगल डिक्रीज करता जाता है। इक्वेटर पे पोल स्टार का एंगल 0 डिग्री पे दिखाई देता है। ये ऑब्जर्वेशन बताती है कि जो पाथ ऑफ ट्रैवल है अर्थ का वो एक आर्क है सर्कल का। सूरज, चंद्रमा और अन्य हेवनली बॉडीज जो हैं वो सारे ही स्फेरिकल दिखते हैं अलग अलग पोजीशन से। तो इससे ये क्लियर किया जा सकता है कि अर्थ भी कोई एक्सेप्शन नहीं है और सर्कुलर ही होगा। अर्थ की फोटोग्राफ जब स्पेस से देखी गई तो उसमें तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि अर्थ स्फीयर है। एक ऑब्लेट स्फेरॉइड का शेप है अर्थ का, जिसे जियोइड बोलते हैं। अर्थ के और मेजरमेंट्स आज के करके ये पता चला कि एक स्पीयर जिसके कि पोल्स को कंप्रेस कर दिया जाए और इक्वेटर को बल्ज कर दिया जाए, वो एक ऑब्लेट स्फेरॉइड का जो शेप होता है वो है अर्थ का। तो मुख्य कारण जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन मिलता है वो है कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं लाइफ के ओरिजिन के, वो सारे ही पृथ्वी पे पाए जाते हैं। पृथ्वी ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है जो रेंज होनी चाहिए जिससे लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस हो पाए। अगर पृथ्वी पे बहुत सारा पानी होता जो कि है लेक्स, रिवर्स और ओशंस के तौर पे, तो यहाँ सर्वाइवल आसान होता, जो कि हो ही रहा है। पृथ्वी पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, जिससे कि लिविंग बीइंग्स का सर्वाइवल होता रहता है ब्रीदिंग करते हुए। अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है ऑक्सीजन लेयर की एटमॉस्फेयर में, जिससे कि हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज की तरफ से आती हैं वो पृथ्वी तक ना पहुँच पाएँ। इसके बाद पृथ्वी का कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा देख लेते हैं। पृथ्वी 4.5 बिलियन साल पुरानी है, मतलब कि 450 करोड़ साल पुरानी। पृथ्वी का वजन 6×10⁴ kg है। वॉल्यूम 10^24 लीटर है। मीन डेंसिटी 5.5 kg/L है। टोटल सरफेस एरिया 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल लैंड एरिया 148 स्क्वायर किलोमीटर है 510 में से। टोटल एरिया 510, उसमें से 148 लैंड। इसीलिए वाटर का एरिया 561 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग 5.52 है। पृथ्वी का डायमीटर, इक्वेटोरियल डायमीटर पृथ्वी का है 12,756 किलोमीटर और इक्वेटर पर रेडियस 6,370 किलोमीटर। पोल पर डायमीटर 12,714 किलोमीटर कम है और पोल पर रेडियस 6,371 किलोमीटर। इसी से स्फेरॉइड शेप क्लियर होती है। पृथ्वी का सरकमफेरेंस 40,070 किलोमीटर है और पोल पर सरकमफेरेंस 40,009 किलोमीटर है। पृथ्वी का हाईएस्ट लैंड पॉइंट जो है वो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर पे और लोएस्ट लैंड पॉइंट है 397 मीटर पे डेड सी में। सबसे ऊंची ओशियन की डेप्थ मारियाना ट्रेंच है 11,033 मीटर
और मैक्सिमम डिस्टेंस सूरज से एपीहीलियन के समय पृथ्वी का होता है 152 मिलियन किलोमीटर और पेरीहीलियन के समय पे सबसे कम 147 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी का 29.2% एरिया जो है वो ज़मीन है और 70.8% पानी। टोटल पानी का एरिया पृथ्वी का ओशन, लेक, रिवर, आइस शीट और एटमॉस्फेरिक पानी मिला के उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, वो लगभग 71% हो जाता है। पृथ्वी में मेटल्स की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, आयरन 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकन 15, मैग्नीशियम 13 मेन है, और फिर निकल 2.4, सल्फर 1.9, कैल्शियम 1.1, एल्युमिनियम 1.1 और बाकी अन्य 0.5। कॉन्टिनेंट्स जो मेन हैं पृथ्वी पे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका 7 कॉन्टिनेंट हैं। शुरुआत करते हैं एशिया से। एशिया 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। एशिया के सदर्न मोस्ट टिप्स में आते हैं इंडोनेशिया तक। फिर लॉन्गिट्यूड है 25 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट तक, नॉर्थ में सबसे ऊपर रशिया है। तो 25 डिग्री ईस्ट की तरफ देखते हैं तो आता है जापान या आगे फिलीपींस, और 170 डिग्री वेस्ट की तरफ देखते हैं तो अंतिम पॉइंट्स जो टर्की या उसके आगे। एरिया टोटल 44.5 मिलियन जो पूरी पृथ्वी का लगभग 30% एरिया है, 44.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन पृथ्वी की है 4,300 मिलियन, जो कि अब बढ़ चुकी है, ये पुरानी पॉपुलेशन दी हुई है, अब ये करीब 5 बिलियन हो गई होगी, 4.5-5 बिलियन। और ओशन और सीज जो एशिया में आते हैं वो है आर्कटिक ओशन ऊपर रशिया के पास, पैसिफिक जापान के आगे, इंडियन ओशन इंडिया के नीचे, रेड सी और गल्फ जो है वहाँ पे पर्शियन गल्फ, तो रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों ऊपर नीचे हैं, सऊदी अरेबिया के, गल्फ ऑफ एडन भी वहीं है, गल्फ ऑफ ओमान भी वहीं है, अरेबियन सी इंडिया और ओमान के बीच में, बे ऑफ बंगाल इंडिया और बर्मा के बीच में, चाइना सी चाइना के पास, येलो सी ऑफ ओकोत्स चाइना और रशिया के पास, बेरिंग सी रशिया और अमेरिका के बीच में। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स, एवरेस्ट है हाईएस्ट पॉइंट 8,848 मीटर और डेड सी है लोएस्ट पॉइंट 396.8 मीटर, दोनों ही पृथ्वी के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स एशिया में ही हैं। जो स्ट्रेट्स मेन हैं एशिया में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और बेरिंग स्ट्रेट, लेक्स हैं कैस्पियन सी, अरल सी, लेक ऑफ बाइकॉल और लेक बलखाश, आइलैंड्स हैं कुरील, सखालिन, होनशू, होकाइडो, ताइवान, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, सेलेबीज, न्यू गिनी, फिलीपींस, श्रीलंका, बहरेन और साइप्रस। इसमें फिलीपींस, श्रीलंका, बहरेन, साइप्रस अलग देश हैं, होनशू, होकाइडो दोनों जापान में हैं, जावा, सुमात्रा ये इंडोनेशिया में है, न्यू गिनी, फिलीपींस फिलीपींस में, सेलेबीज मलेशिया में, बोर्नियो अलग देश है और ताइवान भी एक अलग देश है। माउंटेंस में पामीर नॉट और हिमालय हमारे जस्ट नॉर्थ, काराकोरम ये तीनों हमारे नॉर्थ में, पामीर नॉट से ही काराकोरम, हिमालय, कुनलुन शान, टियान शान सब अलग अलग जाते हैं, अल्ताई शान, हिंदू कुश सब पामीर नॉट के चारों ओर हैं, एल्ब्रूज, पॉन्टियाक ये दूसरे नॉट पे पड़ते हैं, सुलेमान, जारगोस, एब्रूज, पॉन्टियाक, टॉरस और टॉरस ये पांचों वेस्टर्न एशिया में पड़ते हैं, यूरल्स रशिया में हैं, स्टानोवोय और याब्लोनोवोय सब रशिया के पहाड़ हैं। मेन प्लाटूज एनाटोलिया प्लाटू जो टर्की में है, फिर ईरान का प्लाटू, अरेबिया का प्लाटू, तिब्बत का प्लाटू, तरीम बेसन चाइना में, मंगोलिया का प्लाटू, यूनान का प्लाटू और डेक्कन प्लाटू जो इंडिया में है। फिर पेनिनसुलाज, कामचटका पेनिनसुला जो रशिया के पास है, कोरिया का पेनिनसुला, पेनिनसुला ऑफ इंडो चाइना, मलय पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला जो इंडिया का है, अरेबियन पेनिनसुला, डेजर्ट्स अरेबियन, थार और गोबी मेन डेजर्ट्स हैं, रिवर्स यूफ्रेटिस और टिग्रिस ईरान में, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया में, हुआंगहो, यांगसेकियांग, सेकियांग चाइना में, आमूर दरिया जो सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान, लेना येनसेई में, ओब इरावदी सालवीन और मीकोंग साउथ ईस्ट एशिया के देशों में। फिर इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं एडन,
कराची, नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोलंबो, यंगून, कुआलालंपुर, बैंकॉक, होचीमिन जो पहले साइगोन कही जाती थी, सिंगापुर, मनीला, गोंगजो, हांगकांग, शंघाई और टोक्यो। अब एशिया के बाद आ जाते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका लाइक करता है 35 डिग्री साउथ और 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में, बिल्कुल इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल में। और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से लाइक करता है 50 डिग्री ईस्ट से 17 डिग्री वेस्ट तक, ग्रीनविच मीन टाइम, और इक्वेटर दोनों इससे पास होता है। पॉपुलेशन अफ्रीका की 1 बिलियन करीब थी 2013 में, यह बढ़ के 1.2 करीब हो गई है। एरिया 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है जो पृथ्वी का 20% होता है। ओशंस जो इसके चारों ओर हैं, इंडियन ओशन, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन और गल्फ ऑफ गिनी। इंडियन ओशन इंडिया के साथ, रेड सी अपने ही आसपास एशिया के साथ, अटलांटिक ओशन वेस्ट साइड में अमेरिका के साथ, और गल्फ ऑफ गिनी के पास, और मेडिटेरेनियन सी यूरोप के साथ बॉर्डर्स हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स हैं किलिमंजारो 5895 मीटर्स का, और लोएस्ट है लेक असाई -156 मीटर। स्ट्रेट्स हैं स्ट्रेट ऑफ बाबल मांदाब और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेन स्ट्रेट्स हैं, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ट्रेड के लिए। लेक्स हैं विक्टोरिया, तांगनीका, मलावी, चार्ड, रूडोल्फ और एल्बर्ट। आइलैंड्स हैं मेडागास्कर, केप वर्डे आइलैंड, कॉमोरोस, मॉरिशियस और सेशेल्स। इम्पॉर्टेंट माउंटेंस हैं एटलस, ड्रेकनबर्ग और किलीमंजारो। एटलस मोरक्को में, ड्रेकनबर्ग साउथ अफ्रीका, किलीमंजारो केन्या। प्लाटूज हैं अफ्रीका का प्लाटू जो एंटायर कॉन्टिनेंट प्लाटू पे ही बना हुआ है तो उसे कवर करता है। डेजर्ट्स हैं सहारा, कालाहारी और नामिब। सहारा नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, कालाहारी साउथ में है, और नामीबिया में नामिब डेजर्ट है, कालाहारी बोत्सवाना में है। नॉर्थ अमेरिका पे आ जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका या नॉर्थ कॉन्टिनेंट वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो है उसमें यूएस, कनाडा और सेंट्रल अमेरिका और करेबियन आते हैं। और सेंट्रल प्लेन में हैं, लो रेंजेस हैं। ईस्ट में क्लाइमेट जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से वेरी करता है। नॉर्थ अमेरिका लाई करता है पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 60 डिग्री नॉर्थ से 84 डिग्री नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 20 डिग्री वेस्ट से 180 डिग्री वेस्ट तक पूरी तरह नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। एरिया उसका 24.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो पृथ्वी का 16% है। पॉपुलेशन करीब 52-53 करोड़ 2013 में, अभी 60-65 मान लीजिए 529 मिलियन। डेजर्ट्स मेन हैं चिहुआहुआ, कोलोराडो, मुहावे और सोनोरन। ये यूएसए और मेक्सिको के ही में ही हैं सारे डेजर्ट्स। मेजर लेक्स हैं लेक सुपीरियर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वीट वाटर लेक है, लेक ह्यूरॉन, मिशिगन, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, आयर और ओंटारियो। ये ज़्यादातर इनकी लेक्स कनाडा और अमेरिका में और अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर लाई करती हैं। मेजर रिवर्स हैं मिसिसिपी, मिजोरी अमेरिका में, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस अमेरिका से होते हुए वो कनाडा में, मैकेंजी, कोलोराडो, हडसन, पॉटमैक, ओहायो। मुख्य ओशंस अटलांटिक ओशन ऑन द ईस्टर्न साइड, पैसिफिक ऑन द वेस्ट, आर्कटिक ओशन द नॉर्थ विद ग्रीनलैंड एज इट्स बॉर्डर, गल्फ ऑफ मेक्सिको, करेबियन सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वेस्ट में, मेक्सिको ईस्ट में अमेरिका के रिस्पेक्ट से, अलास्का के पास बेरिंग सी, गल्फ ऑफ अलास्का और हडसन बे कनाडा के पास। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स मैकिनली माउंटेन 6194 मीटर्स की है और डेथ वैली -85.9 मीटर्स में है। स्ट्रेट्स में बेरिंग स्ट्रेट सबसे इम्पोर्टेंट है रशिया के साथ, अलास्का और रशिया का बॉर्डर। आइलैंड्स में ग्रीनलैंड, बाफन आइलैंड, विक्टोरिया, न्यूफाउंडलैंड, क्यूबा, जमैका, हाइटी। माउंटेंस में रॉकीज, एपलेशियंस, ब्रुक्स माउंटेन, कस्कॉल्स्क्विन, अलास्का रेंज, कास्केड रेंज, कोस्टल रेंज, सियरा नवाडा, सियरा माड्रे। प्लाटूज में कोलंबियन, कोलोराडो, मेक्सिकन और कनेडियन शील्ड। एग्रीकल्चर यहाँ पे टेम्परेट और ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें सीरियल्स, टोबैको, शुगर बीट और पोटैटोज होते हैं।
इम्पोर्टेंट मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम, आयरन, मैगनीज हैं। इंडस्ट्रीज़ में शिप बिल्डिंग, क्योंकि पहले यहाँ रेड इंडियंस होते थे तो अब यहाँ पे वाइट्स हो गए हैं, ब्लैक्स भी हैं काफ़ी यहाँ पे। इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, बॉस्टन, शिकागो, डैलस, डिट्रॉयट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सियाटल, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर, मेक्सिको सिटी, हवाना, किंगस्टन, ओटावा। इसमें से किंगस्टन जमैका में है, हवाना क्यूबा में, मेक्सिको सिटी मेक्सिको में, टोरंटो और ओटावा और मॉन्ट्रियल कनाडा में, और बाकी सारी यूएस में। क्लाइमेट 10 डिग्री लैटिट्यूड दोनों साइड इक्वेटर के जो है वहाँ पे भी है ये, और नॉर्थ पोल भी है, नॉर्थ अमेरिका के ही अंदर आता है, तो वहाँ पे सवाना भी है लोलैंड्स में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हैं, सारे क्लाइमेटिक जोन्स आते हैं, और लोलैंड सेंट्रल अमेरिका के, और आइस कैप्स भी जो हैं ऊपर, सब आर्कटिक टंड्रा क्लाइमेट्स हैं वहाँ पे, सेमी एरिड जोन्स हैं। इसके बाद साउथ अमेरिका में आ जाते हैं, ये लाए करता है 12 डिग्री नॉर्थ से लेके 55 डिग्री साउथ तक। लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे 35 डिग्री वेस्ट से 81 डिग्री वेस्ट तक। एरिया साउथ अमेरिका का 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो दुनिया का 12% होता है। पॉपुलेशन लगभग 40 करोड़ आदमी थे 2013 में, 386 मिलियन। समुंदर अटलांटिक ओशन ऑन द ईस्ट, पैसिफिक ऑन द वेस्ट, करेबियन सी ऑन द नॉर्थ। हाईएस्ट पॉइंट है माउंट अकोंकागुआ, जो 6,960 मीटर्स का है, और लोएस्ट पॉइंट है वाल्डर्स पनीन, जो 39.9 मीटर माइनस में। स्ट्रेट ऑफ मगालन है, जो सदर्न मोस्ट टिप से घूम के जाता है फॉकलैंड आइलैंड के पास से, और लेक्स हैं लेक माराकाइबो और लेक टिटिकाका। मेन आइलैंड्स हैं गैलापागोस, फॉकलैंड, टियरा डेल फ्यूएगो। माउंटेन्स हैं एंडीज, प्लाटूज हैं बोलीविया का और इक्वाडोर के प्लाटू। डेजर्ट्स हैं अटाकामा और पैटागोनिया डेजर्ट, पैटागोनिया आइस डेजर्ट है। रिवर्स हैं अमेजोन, ओरिनोको, पैरागुए, पुराना, यूरुगुए। अमेजोन सबसे लार्जेस्ट रिवर, सबसे ज़्यादा पानी लेके चलती है। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं बुएनस आयरस अर्जेंटीना में, रियो डे जनारियो ब्राज़ील में, मॉन्टेविडियो वेनेजुएला में, क्वीटो इक्वाडोर में, सैंटियागो शिली में, लापाज, लीमा, बोगोटा, वेलाप्राइसो, साओ पाउलो, बेलेम, कैराकास और मनाउस ज़्यादातर ब्राज़ील के शहर हैं। मेन फैक्ट्स जो यूरोप के बारे में हैं वो देख लेते हैं। यूरोप पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और जीएमटी यूरोप के बीच से जाता है। यूरोप का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 35 डिग्री नॉर्थ से 73 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक में कतई नहीं है, पूरा टेम्परेट रीजन में है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 25 डिग्री वेस्ट से 65 डिग्री ईस्ट, जिसमें वेस्टर्न मोस्ट में है ग्रीनलैंड, ईस्टर्न मोस्ट में है ईस्टर्न यूरोप के देश जैसे टर्की और बेलारूस। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो पृथ्वी का 7.1% है। नॉर्थ टू साउथ की सबसे लंबी दूरी है 3,860 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट की 5,300 किलोमीटर। यूरोप की पॉपुलेशन लगभग 75 करोड़ लोगों की थी, 733 मिलियन थी 2013 में। ओशियंस और सीज के बारे में देख लेते हैं। अटलांटिक साउथ में है, आर्कटिक नॉर्थ में, मेडिटेरेनियन साउथ में, कैस्पियन ईस्ट में, और ब्लैक सी भी ईस्ट में, वाइट सी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ सी वाइट सी दोनों, नॉर्वेजियन सी भी नॉर्थ में, बाल्टिक सी भी बाल्टिक देशों के स्वीडन वगैरह के आसपास, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, बे ऑफ बिस्के, एगियन सी, एड्रियाटिक सी, ये दोनों मेडिटेरेनियन के पास। हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्ब्रूस, ये पड़ता है एल्प्स में, ये 5,642 मीटर ऊंचा है। लोएस्ट पॉइंट है कैस्पियन सी में 28 मीटर नेगेटिव में। मेन स्ट्रेट्स हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो मेडिटेरेनियन और अटलांटिक को जोड़ता है। लेक्स हैं लेक लडोगा, ओनेगा, पेइपस, वनान, वेटर्न। आइलैंड्स हैं ब्रिटिश आइल्स, आइसलैंड, सार्डिनिया, सिसिली, क्रीट। मेन माउंटेंस हैं एल्प्स, पिरेनीज, एपेनाइंस, डेनारिक एल्प्स, कार्पेथियंस, ट्रांसिल्वेनियन माउंटेंस, बाल्कन्स, कॉकेसस और यूरल्स। मेन प्लाटूज हैं बोहेमिया और स्पेन के प्लाटू और सेंट्रल मासिफ।
मेन रिवर्स हैं वोल्गा, डेन्यूब, राइन, पो, नाइपर, डॉन, विस्टुला, एल्ब, ऑडर, सियन, लॉयर, गरोन, डोरो, टॉगस और यूरल्स। इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं लंदन इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, मड्रिड स्पेन में, एंटवर्प एम्स्टरडैम, बॉन, कोपेनहेगन, ओस्लो नॉर्वे में, स्टॉकहोम स्वीडन, मॉस्को रशिया, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, बर्लिन जर्मनी, वॉर्सो पोलैंड, वेनिस ऑस्ट्रिया, एथेंस ग्रीस, बूडापेस्ट हंगरी, बेलग्रेड, म्यूनिक, रोम, प्राग, वियना और अन्य। फिर ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश डोमिनियन में आता है, उसका वो पूरी तरह से सदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स में पड़ता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 12 डिग्री साउथ से 38 डिग्री साउथ, लॉन्गिट्यूडनल है 114 डिग्री ईस्ट से 154 डिग्री ईस्ट। एरिया करीब है 7.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरी पृथ्वी का 5.3% है। पॉपुलेशन है पूरे लैंड मास का, और पॉपुलेशन थी 2009 में करीब 32 मिलियन, अभी करीब 40 मिलियन हो चुकी है, 4 करोड़ लोग। समुंदर इसमें मेन जो आते हैं वो है पैसिफिक ओशन, 50 लाख करीब न्यूजीलैंड की है उसमें से, बाकी मेजर ऑस्ट्रेलिया की है। और ओशंस में पैसिफिक और इंडियन ओशन दोनों साइड आते हैं। सीज में तास्मेनियन, तिमोर, आराफूरा, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, कोरल सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हैं। हाईएस्ट पॉइंट है पुनकाक जाया, जो 4,884 मीटर है, ये न्यू गिनी आइलैंड में पड़ता है। कॉस्क्विजुको, ये ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड का हाईएस्ट पॉइंट है, 2,228 मीटर। और माउंट विलहम, ये भी पापुआ न्यू गिनी में पड़ती है, 4,509 मीटर। लोएस्ट पॉइंट कोई लेक आयर है 15.8 मीटर। मेन स्ट्रेट जो इसमें है वो है बास स्ट्रेट, और मेन लेक है लेक आयर। आइलैंड्स हैं तास्मेनिया इंपॉर्टेंट आइलैंड है, माउंटेंस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ईस्टर्न कोस्ट के पास है, प्लाटूज, वेस्टर्न प्लाटू है जो पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है, डेजर्ट्स वेस्ट में हैं, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन। इम्पॉर्टेंट शहर हैं सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन, कैनबरा, ब्रिस्बेन और होबार्ट। इसको याद करने का एक आसान तरीका है बीएससी एमए पीएचडी, बी से ब्रिस्बेन, एस से सिडनी, सी से कैनबरा, एम से मेलबर्न, ए से एडिलेड, पी से पर्थ, एच से ओबार्ट और डी से डार्विन। फिर ओशियानिया, ओशियानिया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तास्मेनिया, न्यू गिनी और पैसिफिक आइलैंड जिसमें माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया और पॉलिनेशिया आते हैं, इनको ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं। कुछ जियोग्राफर्स ऐसा कहते हैं ऑस्ट्रेलेशिया को ही ओशियानिया भी, तो इसमें करेबियन कंट्रीज़ भी जोड़ देते हैं। ओशन जो हैं पृथ्वी के मेन, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। चार ओशन हैं पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक। पैसिफिक या प्रशांत जो है वो मैगालन ने डिस्कवर किया था जब अर्थ, तब उसका नाम पैसिफिक रखा था, मतलब कि काम या पीसफुल। पैसिफिक ओशन का टोटल एरिया करीब 166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, वो सबसे बड़ा ओशन है पृथ्वी पे, सबसे गहरा ओशन है पृथ्वी का, उसकी एवरेज डेप्थ 4,200 मीटर की है। मारियाना ट्रेंच जो सबसे डीप ट्रेंच है पृथ्वी की, वो 11,033 मीटर की या 36,201 फीट की है, वो इसी में पड़ती है। सबसे ज़्यादा आइलैंड्स जो हैं इस ओशन के वो वोल्केनिक या कोरल ओरिजिन के हैं। इसके बाद है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का टोटल एरिया 86.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, वो सेकंड सबसे बड़ा ओशन है। उसका नेम एटलस के नाम से आता है और टाइटन के नाम से आता है, दोनों लोग जो जायंट्स थे। अटलांटिक ओशन सबसे लंबी कोस्टलाइन रखता है, पैसिफिक से भी बड़ी कोस्टलाइन है इसकी। अटलांटिक ओशन सबसे बिजी ओशन है ट्रेड और कॉमर्स का, क्योंकि दो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन जो हैं वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, उन दोनों को जोड़ता है। अटलांटिक ओशन कई मिलियन सालों में बना है, और एक रिफ्ट खुली थी गोंडवाना लैंड और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जब सेपरेशन हुआ तब, तो वो जो सेपरेशन हुआ वो आज भी कंटिन्यू है, और अटलांटिक ओशन अभी भी वाइड हो रहा है। कॉन्टिनेंटल आइलैंड न्यूफाउंडलैंड और ब्रिटिश आइल के यहाँ के सबसे बड़े आइलैंड्स हैं। वॉल्केनिक आइलैंड यहाँ पे कम हैं, उसमें से कुछ हैं जमैका, क्यूबा, पुएर्टो रिको और आइसलैंड, जो सबसे बड़ा आइलैंड है वॉल्केनिक ओरिजिन का दुनिया में।
फिर इंडियन ओशन जो 73.43 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और वो किसी देश के नाम पे रखा गया इकलौता ओशन है, ये अटलांटिक ओशन से ज़्यादा गहरा है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं जैसे मेडागास्कर और श्रीलंका। कुछ आइलैंड्स जो वोल्केनिक ओरिजिन के यहाँ पे हैं वो हैं मॉरिशियस, अंडमान निकोबार, सेशेल्स, मालदीव्स, लक्षद्वीप। फिर साउथ इंडियन ओशन है, उसका एक वार्म करंट है जो साउथ इक्वेटोरियल मोजाम्बिक और मेडागास्कर अगुलास के पास चलता है, और उसका एक कोल्ड करंट है जो एंटार्कटिक ड्रिफ्ट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स हैं, जिसमें दो करंट्स जो उसमें हैं। फिर है एक आर्कटिक ओशन, जो आर्कटिक ओशन है उसका एरिया है 13.23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये सबसे छोटा ओशन है, ये आर्कटिक सर्कल में पड़ता है इसलिए आर्कटिक ओशन। नॉर्थ पोल इसके बीच में आता है। सबसे ज़्यादा जो पार्ट्स हैं आर्कटिक ओशन के वो हमेशा बर्फीले रहते हैं और साल के ज़्यादातर दिन यहाँ पे थिक आइस होती है। ये सबसे शैलो है सारे ओशंस में और इसकी एवरेज डेप्थ है 1500 मीटर। इसमें सबसे कम सैलिनिटी होती है सारे ओशंस में से, इसकी सैलिनिटी है 27 यूनिट पर 1000। फिर ओशन करंट्स पे करंट नज़र डाल लेते हैं। जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर जब किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है काफ़ी इंटेंसिटी में तो उसे ओशन करंट कहते हैं। दो टाइप के होंगे, कोल्ड या हॉट। कोल्ड जब ट्रॉपिकल जोन से लोअर लैटिट्यूड में या फिर हायर टेम्परेट में या सब पोलर जोन में जो जाता है वो हॉट वाटर करंट है, और जब हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड में जाएगा तो वो कोल्ड वाटर करंट होगा। इसमें कुछ ही एक्सेप्शन हैं, ये इंडियन ओशन में ही पाए जाते हैं ये एक्सेप्शन। ये जो फ्लो है करंट का ये चेंज होता रहता है मॉनसून विंड की डायरेक्शन के हिसाब से, तो हॉट करंट जो है वो कोल्डर ओशंस की तरफ फ्लो करते हैं और कोल्ड करंट जो है वार्मर ओशंस की तरफ। बायोस्फीयर, पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पे जीवन एग्जिस्ट कर सकता है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस माने जीवन या लाइफ। पृथ्वी इकलौता ऐसा प्लानट है सोलर सिस्टम में जहाँ जो लाइफ सपोर्ट करता है, लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है यहाँ के यूनिक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की वजह से। लिथोस्फीयर अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के क्रस्ट की जहाँ लाइफ सपोर्ट जो कर सकती है। लिथोस्फीयर या लैंड जो है वो 29.22% एरिया कवर करता है पूरी पृथ्वी का, जो कि टोटल हो जाता है 1.5 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल। अकेला पैसिफिक ओशन 166 मिलियन है। हाइड्रोस्फीयर या समुंदर वो 5/7 एरिया या फिर 70.78% एरिया या फिर 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सरफेस कवर करते हैं पृथ्वी का। पानी फ्रीली अवेलेबल है गैशियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में। केमिकल रिएक्शंस जो बॉडीज़ के अंदर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसके लिए पानी की ज़रूरत है। पानी डिसॉल्व होता है और ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स सॉइल से प्लांट में, प्लांट इसे खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं, दो नंबर हैं ये दोनों। लैटिट्यूड जो जैसे ग्लोब है, अर्थ को ग्लोब की तरह देखें तो जो लाइंस लैटिट्यूड हैं वो अलग अलग साइन के सर्कल्स हैं। लॉन्गेस्ट है इनमें से इक्वेटर जिसका कि लैटिट्यूड है ज़ीरो, और स्मॉलेस्ट है पोल जिसका लैटिट्यूड है 90 डिग्री, जो कि बस एक पॉइंट है। उसी तरह लॉन्गिट्यूड ये ग्लोब पे वो लाइंस हैं मेरिडियंस जो पोल से पोल तक पहुंचती हैं, सेमी सर्कल बनाती हैं। हर एक मेरिडियन इक्वेटर से ज़रूर पास करेगा क्योंकि इक्वेटर एक सर्कल है और उसको डिवाइड करेगा 360 डिग्री में, और जो लॉन्गिट्यूड है पॉइंट का वो उसका मेरिडियन जहाँ इक्वेटर से मिलता है वो पॉइंट बताता जाता है। लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन जो है वो ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच इंग्लैंड में है उसको चुना गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। वो लंदन के ईस्ट साइड में पड़ती है ब्रिटिश कैपिटल के, और अभी वो एक पब्लिक म्यूजियम बन गई है और एक ब्रास ब्रांड जो है उसके यार्ड में जो निकला हुआ है उसी को प्राइम मेरिडियन माना जाता है। लॉन्गिट्यूड की लाइन को ही मेरिडियन भी कहते हैं, और मेरी का मतलब होता है मीडियस
मिडियस का ही एक वेरिएशन है शब्द मेरी, जिसका मतलब होता है मिडल, और डीएम का मतलब होता है डे। तो इस शब्द का मतलब हुआ नून, मिड डे। तो वो समय दिन का नून से पहले उसको एंटी मेरिडियन कहते थे, और वो जो दिन के बाद का उसको पोस्ट मेरिडियन। तो आज के ऑब्जर्वेशन में एएम जो है वो एंटी मेरिडियन है और पीएम जो है पोस्ट मेरिडियन है, तो मिड डे के पहले और बाद में। इसलिए सूरज जब नून के समय पे माना जाता है कि वो पासिंग मेरिडियन है, मेरिडियन से गुजर रहा होता है। जब सारे पॉइंट जो एक लाइन पे हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं नून किसी भी एक समय पे दिन के, इसीलिए उसे मेरिडियन लाइन कहा गया। इसी तरह से लोकल टाइम और टाइम जोन्स दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं लैटिट्यूड से जुड़े हुए, लॉन्गिट्यूड से भी। लोकल टाइम और यूनिवर्सल टाइम, लॉन्गिट्यूड मेजर करते हैं 0 से 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक का। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो सेम लाइन शेयर करता है मिडल में पैसिफिक ओशन के, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट सेम लाइन हो जाती है। पृथ्वी रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, तो किसी भी एक मोमेंट पे एक लाइन लॉन्गिट्यूड जो है उसे नून मेरिडियन कहा जाता है, जो सन को फेस कर रहा होता है उस समय पे। उस लाइन पे हर जगह पे उस समय नून हो रहा होता है। 24 घंटे बाद जब पृथ्वी पूरी घूम चुकी होती है सूरज के अकॉर्डिंग, तब वो सेम मेरिडियन फिर से नून पहुंचता है। इसी हिसाब से हर एक घंटे पे पृथ्वी 360/24 डिग्री घूम रही है, मतलब 15 डिग्री। इसी तरह से इंटरनेशनल डेट लाइन और यूनिवर्सल टाइम का कॉन्सेप्ट है। लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करता है कि दिन जो है पूरे दिन का एक घंटा जो है वो बताता है, और पूरे डेट नहीं बता सकता है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन इस्टेब्लिश की गई है और 188th मेरिडियन पे, जहाँ पे कॉमन एग्रीमेंट पे पहुँचा गया कि जब भी कोई लाइन को क्रॉस करेगा, जब वो ईस्ट से वेस्ट जाएगा तो एक दिन एडवांस कर जाएगा, और वापस आ जाएगा तो उसको एक दिन कम हो जाएगा जब वो वेस्ट से ईस्ट जाएगा। तो वो लाइन पास करने के लिए बेरिंग स्ट्रेट है अलास्का और साइबेरिया के बीच में, जिन दोनों जगहों की अलग डेट होती है। मिड ओशन ज़्यादातर समय पे चलता है, जैसे कि इनकन्वीनियंस ना हो लोकल टाइम कीपिंग में। एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉट्स और अन्य लोग जो सैटेलाइट डेटा देखते हैं वो अलग अलग समय पे रह रहे हैं, अलग टाइम जोन्स में हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम एक एस्ट्रोनॉमिकल टाइम ग्रीनविच के हिसाब से बनाया गया है, उसी को यूनिवर्सल टाइम कहते हैं। इसके बाद पृथ्वी के हीट जोन्स या टॉरिड जोन से शुरू करते हैं। टॉरिड जोन को ट्रॉपिकल जोन भी कहा जा सकता है। ट्रॉपिक वो रीजन है इक्वेटर के पास का, जो ट्रॉपिक और कैप्रिकॉन नॉर्थ में 23 degrees 26 minutes 16 seconds नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ ये था कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न हेमिस्फीयर में 23 degrees 26 minutes 16 seconds साउथ, इन दोनों के बीच में लाई करता है। ट्रॉपिक्स में वो सारा एरिया आ जाता है पृथ्वी का जहाँ सूरज पहुँचता है बिल्कुल टॉप पे, साल में एक समय पे ओवरहेड। ये जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है और इसे टॉरिड हॉट जोन कहते हैं। इसके बाद है फ्रिजिड जोन, ये पोलर रीजन के पास होता है। यहाँ पे सूरज की रेज जो हैं वो स्लांटिंग पोजीशन में पड़ती हैं, तो ये बहुत ठंडा एरिया होता है। ये एरिया जो है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में पड़ता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में फ्रिजिड जोन, और इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्कटिक सर्कल और साउथ जोन के बीच में पड़ता है फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड माने ठंडा। इसके बाद पृथ्वी के रोटेशन पे एक नज़र डाल लेते हैं। पृथ्वी स्पिन या रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अपनी एक्सिस पे हर 24 घंटे में। पृथ्वी की एक्सिस वर्टिकल नहीं है, उसका 23 डिग्री 30 मिनट का एंगल बनता है वर्टिकल के साथ, या 66 डिग्री 30 मिनट का एंगल बनता है अर्थ की ऑर्बिट के साथ। अर्थ की जो एक्सिस है वो हमेशा ही पॉइंट कर रही होती है सेम डायरेक्शन में पोल स्टार की तरफ, जब भी पृथ्वी मूव करती है सूरज की तरफ। तो टिल्ट जो है अर्थ की एक्सिस में, इसे इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस बोलते हैं। इस टिल्ट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ते हैं दिन और रात पे? अर्थ का जो रोटेशन है अपनी टिल्टेड एक्सिस पे, ये दिन और रात बनाता है अलग अलग लेंथ की पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में। क्योंकि अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है सेम डायरेक्शन में, तो जो ओरिएंटेशन है अर्थ की एक्सिस का सन की रे के सामने वो हमेशा चेंज होता रहता है जब वो सन के चारों ओर घूमती है। इसकी वजह से कंटिन्यूस चेंज होता है दिन और रात की लेंथ में पूरे साल भर।
पेरिहीलियन वो पोजीशन है अर्थ की या किसी भी और प्लैनेट की अपनी ऑर्बिट में जब वो सूरज के सबसे पास होता है। अर्थ पेरिहीलियन पे पहुंचता है 3 जनवरी को और उस समय उसका सूरज से डिस्टेंस 137 मिलियन किलोमीटर होता है। मेजर एक्सेस जो होती है अर्थ की, और इसको बोलते हैं एप्सिडीज लाइन। जो ये एक्सेस होती है, मेजर एक्सेस अर्थ की एलिप्टिकल ऑर्बिट की, इसको। इसके बाद एपीहीलियन, वो पोजीशन जब या अर्थ या कोई भी और प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में सूरज के सबसे दूर होगा, ये 4 जुलाई को अर्थ के साथ होता है और इस समय डिस्टेंस होता है 152 मिलियन किलोमीटर मेजर एक्सेस से दूर। फिर है सोलस्टिस। सोलस्टिस 2 बार पड़ता है साल में, जिस दिन सूरज जो है सबसे हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुंचता है नॉर्थ या साउथ में इक्वेटर के, और डायरेक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक्स की किसी एक लाइन पे। समर सोल्स्टिस पड़ती है 21 जून को, तो उस समय अर्थ ऐसी लोकेटेड होती है अपनी ऑर्बिट में कि सूरज उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड हो। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ टिप्ड होता है और साल का सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर की तरफ टिप्ड होता है तो साल का सबसे छोटा दिन होता है वहाँ। इसी तरह विंटर सोल्स्टिस पड़ती है 22 दिसंबर को, जब पृथ्वी इक्विवेलेंट पोजीशन पे होती है अपनी ऑर्बिट के ऑपोजिट पॉइंट से सदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर टिप्ड होता है टुवर्ड्स द सन, तो इसलिए सूरज ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के 23 डिग्री साउथ। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद है इक्विनॉक्सेस। 2 दिन होते हैं साल में जब दिन और रात बराबर लंबाई के होते हैं, उन्हें इक्विनॉक्स कहते हैं। ये पड़ते हैं सोलस्टिस के मिड डेट्स पे। इस दिन सूरज की एक्सेस 90 डिग्री पे होती है सेंटर ऑफ अर्थ और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन के, तब ना नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ इंक्लाइन नहीं होता है। वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को होती है और उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऑटमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर को होती है। फिर है मिडनाइट सन। ये फिनोमेना आर्कटिक और एंटार्कटिक जोन में होता है मिड समर के समय पे, जब सूरज सिंक नहीं करता है होराइजन के नीचे पूरे 24 घंटे तक दिन के, और इसलिए मिडनाइट में भी सूरज दिखाई देता है, इसलिए इसे मिडनाइट सन बोलते हैं। ये कॉन्सिक्वेंस है सन पृथ्वी के इंक्लिनेशन का अपनी एक्सेस पे होने की वजह से। नॉर्वे को प्लेस ऑफ मिडनाइट सन या लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं, जहाँ सूरज कंटिन्यूसली विजिबल होता है मई और जुलाई में। सदर्न हेमिस्फीयर में ये फिनोमेना होता है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में। इसके बाद एक्लिप्सिस। एक्लिप्स अकर करती है जब सूरज चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आ जाते हैं। सोलर एक्लिप्स तब होती है सनराइज या सनसेट के बीच में न्यू मून के दिन, जब सूरज पास करता है चंद्रमा पास करता है सूरज और पृथ्वी के बीच में, और उसकी शैडो पड़ती है पृथ्वी पे, मतलब मून बीच में, सन एक तरफ अर्थ एक तरफ। ये सोलर एक्लिप्स। इसी तरह लूनर एक्लिप्स तब होती है जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूरज और चंद्रमा के, और जो शैडो है पृथ्वी की वो चंद्रमा पे पड़ती है। लूनर एक्लिप्स होती है फुल मून के दिन, और सोलर एक्लिप्स होती है न्यू मून के दिन। जनरली टोटल 7 एक्लिप्सेस होती हैं, जिसमें से एक सोलर और लूनर एक्लिप्स भी हैं और 5 अन्य एक्लिप्सेस भी होती हैं। इसके बाद एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर वो एनवलप ऑफ एयर है जो पृथ्वी को सराउंड करता है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है 1000 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर तक। 99% टोटल मास का जो एटमॉस्फेयर का है वो 32 किलोमीटर में ही होता है, इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एटमॉस्फेयर पृथ्वी के पास रहता है। एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.93% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.0018% नियॉन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन कम कम मात्रा में। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है यहाँ पे कम क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हवा का, बिकॉज इसकी एबिलिटी जो है अब्जॉर्व करने की हीट, और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है और हीट बैलेंस पृथ्वी पर बनाए रहता है, इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसके बाद है वाटर वेपर। ये सबसे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का।
क्योंकि इसका वेदर पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से जब इसकी क्वांटिटी वेरी करती है वो 4% बाय वॉल्यूम तक जाती है। वाटर वेपर क्लाउड्स का और प्रेसिपिटेशन का सोर्स है, रेन हेल और स्टॉर्म कराता है। वाटर वेपर जैसे कि कार्बन की तरह ही उसकी भी एबिलिटी है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रेगुलेट भी यही करता है। डस्ट इंटरसेप्ट भी जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं इनकमिंग इंसुलेशन को। पोल्यूटेड पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं एयर में लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं लार्ज अमाउंट में इंसुलेशन की वजह से, लेकिन वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को काफ़ी अब्जॉर्ब करते हैं। डस्ट जो है एटमॉस्फेयर के, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स या पोल्यूटेड पार्टिकल्स हैं, दोनों ही तरफ से अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।